ये कोई नई शुरुआत नहीं है, लेकिन हाँ एक शुरुआत है। सिर्फ एक्टिंग फील्ड या कोई भी फील्ड सिनेमा लाइन का नहीं, लेकिन जिंदगी के फील्ड पे जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा आगे बढ़े। इस गोवा वाले आपके शिप में बहुत बढ़िया लगा कि जो भी बच्चे थे वो सीखना चाह रहे, मुझे सीखना है, मुझे सौरभ शुक्ला से सीखना है, मुझे अमित सर से सीखना, मतलब क्या सोचते हैं वो मुझे वैसा बनाना। मैं लखनऊ में एक किसी इसी तरह के इवेंट में गया था, सारे बड़े स्टार से पोस्टर लगे हुए थे और जितने स्टूडेंट थे समझ में नहीं आया कि यार तुम बनना स्टार चाहते हो या एक्टर चाहते हो या एक ह्यूमन बीइंग चाहते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत इस तरह की शुरुआत तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन ये एक अच्छे स्कूल को लेकर चलने वाली इन लोगों का प्यार हीरो वाला दिख गया। अभी मालिक वही बोल रहा क्या भाई, अब कंटेंट ओरिएंटेड देखो तो हम कितने लोगों को चांस दे रहे हैं, लोग वाह-वाह कर रहे हैं। हमको इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बस कहते ना कौवा चले हंस की चाल, नहीं जो तुम हो तुम हो और वही दुनिया पसंद करेगी। हम अपने आप को अलग दिखाना चाहेंगे चलेगा ही नहीं, घर में ससुर लंगी पहनते हैं और यहाँ आके हवाई बात कर, तो वो सब तो बोल रहा हूँ चलो आगे आगे। हाँ ठीक है, मुझे लगता था, मुझे पहले लगता था कि क्यों बी ग्रेड सिटी से जो लोग आते हैं वो आके आ तो जाते हैं बॉम्बे, बट बॉम्बे में पता नहीं कि उनको करना क्या है, कितने दिनों का दिनों में एक्टर बनेंगे या कोई इंजीनियरिंग है कि साल में कुछ हो जाए, और जानते नहीं। और बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोगों से वो कोई चला जाता है, कोई वो नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, कोई 5 साल से काम नहीं करता है। तो एक आइडिया मुझे मिला, मैंने गोपाल जी मेरे सबके साथ कि एक ऐसा ये कुछ बनाएंगे जहाँ केवल एक्टर जैसे संजय भाई है जो तो जिन्होंने स्ट्रगल करके आज वो भी पी टाउन से आए हैं, मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच गए, कोई प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिर हमने संजय भाई से मैंने पता, जब संजय भाई ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ये करना ही है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ राजेश और सबके पीछे हूँ, मुझे करना है। फिर हमने तैयार हुआ और आज 7 दिन में कितने एक्टर आए थे? 7 दिन में हमने एक्टर एक्ट्रेस मेंटल डॉक्टर हैं, मेंटल कोच हैं, सबको हम बुलाए। अच्छा, इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि सारे एक्टर? बहुत बहुत मुश्किल था, हमने से बोला तो हम सबसे जानने चाहूँ सर, आपने यहाँ जो बॉलीवुड का तो आप सबने आज यहाँ पे किया है, कैसे वो सक्सेस हो गया है? बाकी संजय भाई जैसे एजेंट जब साथ में मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल पास हो सकता है, तो सलाम है इन एजेंट्स को जिन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे आके सबको दिया, वो बहुत कुछ सीखने वाला था। जो रूट होते हैं वो